अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं आया। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद कर्जा नहीं ग्रांट होती है। अफगानिस्तान में 30 साल खाना जंगी खत्म करने का वक्त आ गया है। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का फायदा पूरे खित्ते को होगा। अमरीकी महकमा खारजा के उर्दू और हिंदी तर्जुमान जैद तारड ने कहा है कि अफगानिस्तान में 30 साल जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का फायदा पूरे खित्ते को होगा। अमरीका इलाके में अमन के लिए हर कोशिश को अहमियत देता है। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं आया। पाकिस्तान और अमरीका के दोतरफा ताल्लुकात 70 साल पुराने हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात खुशहाली और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। जैद तारड ने कहा है कि पाकिस्तान के आवाम की तरक्की और खुशहाली को अहमियत देते हैं। तालीम और सेहत में अमरीका बरसों से पाकिस्तान के साथ है। अमरीका ने 2000 से अब तक पाकिस्तान को 8.5 ट्रिलियन से ज्यादा इमदाद दी है और पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद कर्जा नहीं ग्रांट होती है। अमरीकी महकमा खारजा के उर्दू तर्जुमान जैद तारड ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ दो तरफा बातचीत से मुमकिन है। अमरीका तमाम ममालिक पर लोगों की बुनियादी हकूक यकीनी बनाने के लिए जोर देता है।